देखो बच्चों, क्लास फिफ्थ में एक चैप्टर है एरिया एंड पैरामीटर। एरिया को बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और पैरामीटर को बोलते हैं हिंदी में परिमाप। तो आपके यहां चैप्टर में दो आकृतियां दी हुई है, एक ये इसे बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? बोलो। आयत। इसे बोलते हैं आयत हिंदी में। ठीक। एक होता है तुम्हारे यहां वर्ग, स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं? वर्ग। दो आकृतियां। तो जिस बच्चे को फार्मूले याद होंगे एरिया और पैरामीटर के, लिखने में लग जाते हैं, सुनते नहीं है। तो सबसे पहले आयत का ध्यान से देख लो, तभी याद हो। आयत का क्षेत्रफल, बराबर या वहां से हटा के थोड़ा इधर को लिख दिया, ये होता है फार्मूला। देखो ध्यान से, बोलो बात। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फार्मूला होता है तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। पहली बात समझ लो, यही फार्मूला लगाना है समय, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आयतन में लगा रहे थे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घना का आयतन, और घन का आयतन भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई दो ही भुजाएं दी हुई है। पहली बात। इसी का दूसरा फार्मूला परिमाप बराबर, ये दो फार्मूले याद करना पड़ेंगे, आयत के दो फार्मूले वर्ग के। परिमाप बराबर होता है दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस, बस ये फार्मूला याद करना है। इसमें अगर कहीं पर आयत बना हुआ है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दो, परिमाप पूछ रहा है दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई लगाना। अगला, अब स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं हम, वर्ग का इसे बोलते हैं वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, इंग्लिश बोलेंगे साइड इंटू साइड, हिंदी बोलेंगे भुजा गुणा भुजा, दोनों भुजाएं एक सी होंगी, सारी भुजाएं। अच्छा, दूसरा इसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का जैसे ऊपर आयत का परिमाप था इसी वर्ग का, इसमें फार्मूला इसका होगा बच्चों चार गुणा भुजा, चार गुणा भुजा। जिस बच्चे को आयत के ये आयत बना हुआ है और नीचे वर्ग बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल का और परिमाप का, क्षेत्रफल का परिमाप का फार्मूला याद होगा, वो बच्चा बहुत आसानी से सवाल इसके कर लेगा। आप इसके बाद इसको याद कर लेना, फिर मैं सवाल कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच।